ये ट्यूबवेल जो है ना इसीलिए बना है कि पिछले कुछ अरसे में 4-6 महीने में पानी कम हो गया था नहरों में, तो ये ट्यूबवेल बना है, स्टार्ट नहीं है। इससे ये पानी जाएगा इस ईंटों वाले एरिया में, फिर यहाँ से होते हुए वो जो मैंने आपको दिखाई दी नहर, छोटी नहर, पानी इसमें जाएगा। फिर जैसे ये बराबर में खेत हैं तो इसको हल्का सा साइड से, जब इनका टाइम आएगा इस ज़मीन तो ये थोड़ा सा इसको कट लगा के अपनी ज़मीन फिल करेंगे, जब उनका टाइम ख़त्म होगा तो ये फिर बंद कर देंगे ये वाला एरिया। तो आजकल इस नहर में पानी कम है, बिल्कुल ख़त्म होगा तो ये जो है ना ट्यूबवेल काम आएगी। इसकी मशीनरी सिस्टम सारा अंदर लगा हुआ है, बाकी बाहर से फिटिंग करके, और ये जो है ना पेट्रोल पे चलेगी या पता नहीं डीजल पे, तो वो सोचे कितना खर्चा आएगा। और फिर ज़मीन से क्या फ़ायदा देगी ये, तो जब ये ट्यूबवेल चलाएं फिर फसल उगेगी तभी पता लगेगा। ये इसलिए है कि यहाँ सिंध की तरफ, सिंध के भी कराची की तरफ एरिया या बिडल, यहाँ पे पानी जैसे जैसे आप कराची की तरफ आएंगे तो पानी कम होता जाता। बाकी वही फ्यूडलिज्म, वडेरा सिस्टम, जो वडेरे होते हैं वो अपने जो उनका वाटर सिस्टम है वो बड़े चौड़ी चौड़ी नहरें करते हैं, उसमें बड़ा मुंह खोल के अपनी ज़मीनों को पानी देते हैं। जो मीडियम तबके के छोटे वडेरे या जो थोड़े गरीब होते हैं उनकी ज़मीनें ऐसे सूखी रहती हैं, ये फसल रह गई है। इसमें जो है ना, इस फसल में जो है ना वो कपास नहीं थी, लेकिन क्योंकि इसको पानी नहीं मिला टाइम पे तो निकल गया। एक ख़ास टाइम होता है फसल उगाने का, ख़ास टाइम होता है। मैंने अभी आपको जो कपास की फसलें दिखाई, ये आज से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले उगाई थी, तो उस टाइम पानी की कमी थी, तो कुछ ज़मीनों में जो है ना, ये जैसे बराबर वाली ज़मीन में इन लोगों की थोड़ी ज़मीन थी तो इन्होंने जो है ना अपनी कपास लगा ली, और ये जिनकी ज़्यादा ज़मीनें थी तो उन्होंने सामने इसकी फसल लगी, आधी में लग गई आधी में नहीं लग सकी पानी की कमी की वजह से। वो दैट्स वाई ये ट्यूबवेल बना रहे हैं। ट्यूबवेल पे भी खर्चा होता है, 2.5-3 लाख गरीब बंदे का काम नहीं है, हर कोई अपनी ट्यूबवेल लगा, फिर उसको मेंटेन करना तो और ज़्यादा जो है ना पैसा चाहिए।